इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को चांद पर भेजकर एक नई मिसाल कायम की है, लेकिन इस मिशन को जमीनी तौर पर जिन वैज्ञानिकों ने तैयार किया है उनकी मेहनत काबिले तारीफ है। इन्हीं वैज्ञानिकों में शामिल है भारत की रॉकेट वुमन। जी हाँ, मिसाइल मैन APJ कलाम को तो हर कोई जानता है, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग की जिम्मेदारी जिसे सौंपी गई है वो है भारत की रॉकेट वुमन ऋतु करिधाल। ऋतु करिधाल की बात करें तो इन्होंने लखनऊ से अपनी पढ़ाई लिखाई की है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही फिजिक्स में MSc की है। विज्ञान में रुचि के कारण ऋतु ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से पढ़ाई भी की, और इसके बाद ऋतु ने 1997 से इसरो के साथ काम करना शुरू किया। क्यों कहा जाता है इन्हें रॉकेट वुमन? दरअसल ऋतु को उनके पूर्व अनुभव के कारण ही चंद्रयान 3 मिशन की जिम्मेदारी दी गई है और वो इस मिशन की डायरेक्टर है। इससे पहले इन्होंने मंगलयान मिशन में भी डिप्टी डायरेक्टर की भूमिका में काम किया और चंद्रयान 2 मिशन में भी डायरेक्टर की जिम्मेदारी ली। आपको बता दें कि ऋतु को 2007 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिल चुका है। उनकी कामयाबी को देखते हुए ही उन्हें रॉकेट वुमन कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको रॉकेट वुमन की यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए पुस्तक बोध से।